हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वाली स्टडी पर। तो हम पढ़ेंगे आज मैथ पढ़ेंगे 11th का, जिसमें हम सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉरी रिलेशन एंड फंक्शन। एक मिनट, कहाँ गया मार्कर? चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें हम पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल कर चुके हैं, उसका चार वीडियो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आई बटन में ही आपको मिलेगा। तो वहां से हम शुरू करेंगे। आप पांच क्वेश्चन हो चुका है, पूरा उदाहरण हो चुका है इसका, जितने भी इसके संबंधित मेन बातें हैं वो पहले चैप्टर में हो चुका है और उदाहरण आप समझ गए, तो ये चैप्टर खुद से कर लीजिएगा, मैं कई बार कर चुका हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं छह नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में, देखिए समुच्चय दे दिया है 1, 2, 3, रिलेशन भी दिया है, बहुत अच्छा किया है, रिलेशन दे दिया है, तो हमके लिए हमको कोई सोचने वाला बात नहीं है, इतना ही में हमें सोचना है कि हाँ ये समित है कि क्या है, कंठी है, सब देखना है। पहले चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए डायरेक्ट आप लिखिए, संबंधित नहीं है आर से, दो संबंधित नहीं है आर से, थ्री संबंधित नहीं है आर से, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। मार्कर तो दिख रहा होगा स्वतुल्य है, आपको कई बार बता चुका हूं कि यह क्यों लिख रहा हूं, तो इतना समझ सकते हैं। दूसरा समित, समित के लिए क्या 1, 2 संबंधित है, 2, 1 भी संबंधित है, अतः क्योंकि ये दुगो देवे किया है, अतः आर समित है, यह नहीं था। आइए संक्रामक में, संक्रामक के लिए तो कोई छोड़ भी नहीं किया, मान लीजिए कि 1, 2 संबंधित है आर से, पर 2' संबंधित नहीं है आर से, लेकिन यहाँ पे लेकिन लिख लीजिए, लेकिन और 10' 1 संबंधित नहीं है आर से, सॉरी 1' यहाँ पर 1' संबंधित नहीं है आर से, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। सिद्ध हो गया, कुछ नहीं, अगर पहले का वीडियो देख चुके हैं तो यह धकाधक करिएगा, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं होगा। यह डर डस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई डाटा ही नहीं है आगे का रिलेशन में, तो अंदाजी में क्या लिखूं? अंदाजी आप यहाँ पर x लिख सकते हैं, आप मैं डस लिखा हूँ, यहाँ पर आप x वैल्यू लिख सकते हैं, संबंधित नहीं है। अब यह किसके वैसे लिखे हैं पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे, तो मैं मिटा रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं ध्यान करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कॉपी कलम, या तीनों लेकर बैठना है अगर मैथ पढ़ रहे हैं 12th 11th किसी का भी, तो क्योंकि आपको कॉपी पेन बुक में क्वेश्चन देखिए, समझिए यहाँ पर और उसका कॉपी में बनाइए। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में, कोई पुस्तक है ए उसी का पेज से संबंधित बोल रहा है, तो आर क्या दिया है, आर दिया है आपको x, x, y, अब इसी दो को मैंने संबंध दिया होगा, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या क्या है, समान है, तब यह ठीक बात बोल रहा है, स्वतुल्य
सतुल्य के लिए क्या बोलेगा? हम बोल सकते हैं एक्स एक्स संबंधित है आर से, वाई वाई भी संबंधित होगा आर से। कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि कोई खुद के किताब के खुद के पेजों की संख्या सेम होता है, क्योंकि किसी किताब के पेजों की संख्या खुद में समान होता है, अतः आर स्वतुल्य है। ठीक है, क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए खुद के खुद से संबंधित होना पड़ेगा, तो यह वैसा होगा क्योंकि खुद के खुद के पेजों की संख्या सेम ही होगा। अब दूसरा आएगा सममित, तो वहां पर थोड़ा सा आप समझिए सममित के लिए क्या। सममित के लिए मान लीजिए कि एक्स वाई संबंधित है आर से, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स तथा वाई में पेजो क्या, एक्स तथा वाई किताब किताब के पेजों में लिखे या डायरेक्ट लिखिए देखा, एक्स तथा वाई किताब के पेजों की संख्या क्या है, समान है, तो वाई तथा एक्स के भी लिख लीजिएगा समान होगा, मतलब वाई एक्स भी संबंधित होगा आर से, और सममित यही तो बोलता है, तो यह है अतः आर सममित है। ठीक है, संक्रामक, संक्रामक दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आज इतना ही कोशिश करूंगा कि छोड़िए दूं, क्योंकि इंक देख रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते इंक ला नहीं पा रहा हूं, तो हो नहीं पा रहा है। चलिए नेक्स्ट, संक्रामक मान लीजिए कि एक्स वाई संबंधित है आर से, तो वाई माना सॉरी वाई जेड संबंधित है आर से, तो एक्स जेड भी संबंधित होगा आर से, क्योंकि यह बात क्या हो गया थोड़ा सा समझा रहा, एक्स बराबर वाई मान लिए, माने एक्स बराबर वाई है और मान लिए कि वाई बराबर जेड भी है, तो एक्स बराबर जेड भी होगा, होगा ही, क्योंकि यह इसके बराबर है या इसके बराबर, तो यह भी तो इसके बराबर होगा, तो वही कह रहा है इसका मतलब समझ के क्या है, एक्स में जितना पेज है उतना वाई में भी है, और मैं मान लिया कि वाई में जितना पेज है उतना एगो जेड में भी पेज है एगो और किताब में, तो इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि एक्स में जितना पेज है उतना जेड में भी होगा, अर्थात इतना होगा। तो अब भाषा इतना हम लिखेंगे या अपना से लिख सकते हैं भाषा, इसके लिए लिख लीजिएगा क्योंकि इंक के दिक्कत है, तो क्योंकि सम लिख कर लिख लीजिएगा, क्योंकि y और x की पेजों की संख्या समान है इसीलिए x और z की पेजों की संख्या समान होगा, शॉर्ट में लिख सकते हैं, हम यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट, अतः r संक्रामक है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज कीजिए, लेकर कहां जाएगा दिमाग, तो देखते हैं जहां तक कि चाहेगा कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा इनका हम व्यवस्था किए, चलिए आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर में बोल कह रहा है कि ए दे दिया है आपका एक दो तीन चार पांच, ए दे दिया है एक दो तीन चार पांच, ठीक है, आठ संबंध दे दिया है, क्या दिया है ए बी, बोल कह रहा है कि ए माइनस बी मॉड में है या जो आएगा सम है, सम है ना, सिर्फ सम,
सम है, सम विषम का बात नहीं रहा है, हाँ सम है। तो बोल रहा है कि आर के संबंध जो है, आर एक तुल्यता संबंध है या सिद्ध करना है, मैं तुल्यता संबंध है, तुल्यता होने के लिए सममित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो अब देख लेंगे इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे तो चेक करिए। पहले क्या करिएगा, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए देखते हैं, स्वतुल्य के लिए क्या ए ए संबंधित है आर से, इसी तरह ना बोलिएगा, ए ए संबंधित है आर से। अब कैसे है, क्योंकि देख लीजिए आप, ए माइनस ए करिएगा तो जीरो 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 एक सम है, सम है। अब तो आर स्वतुल्य है, ठीक है। अब बी पर भी इसी को चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर कर होने देते हैं। चलिए सममित, सममित के लिए क्या होगा, ए बी संबंधित है आर से, मतलब ए माइनस बी मॉड जो है यह क्या आएगा। अब पहले आर का मान तैयार करिए, आर का मान तैयार भी कर सकते हैं एक दो, मान लीजिए कि हम ए बी है तो एक बी के जगह पर हम ए और एक और दो रख लिए, ठीक है। तो जो हल आएगा क्या आएगा, माइनस वन आएगा, मान लीजिए कि वन रखे दो रखे, क्या होगा माइनस वन के रूट, मतलब मॉड से जाएगा तो माइनस हट जाएगा, एक आएगा। तो यह संबंधित है, यह एक सम आएगा। तो b माइनस ए भी सम हाय लिख सकते हैं, अतः तो मतलब b संबंधित है r से, कैसे, क्योंकि एक दो ले लिए मॉड तो एक आया। अब जब दो माइनस वन करिएगा तो कितना आएगा, एक के मॉड, एक मॉड हटेगा तो एक ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा एक, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना है, तो यह संबंधित है अतः आर सममित है, ठीक है, आर एक सममित है, यह मान कर ही चला जा रहा है। हालांकि आप समझिएगा कि ये जो घटा रहे हैं तो एक आ रहा है तो वो तो विषम है एक, लेकिन वैल्यू उस तरह से आपको लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा और लगाइएगा तो मिलेगा आपको ये क्या क्या कह रहा है। तो ये है, अब चेक कर ले रहे हैं हम संक्रामक, ज्यादा ना डायरेक्टली आप हम लिखते चल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे अभी संबंधित है सी से, मैं यहाँ पर माना लिख लीजिए, माना तो ए से भी संबंधित होगा। अब बात वही आ जाएगा किस तरह से आप कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख लिख दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए ए माइनस बी सम है, इसका मतलब हुआ संबंध इसी में ना दिखाया गया है, और माना यहाँ पर लिख दीजिए, इसे इसको लिखने के बाद इसको लिखिएगा और यहाँ को लिखिएगा, माना बी माइनस सी भी सम है, तो ए माइनस सी भी सम होगा, अर्थात ए सी संबंधित है आर से, अतः आर क्या है संक्रामक है, ठीक है। अभी ना समझिए कि डायरेक्टली हम लिखते चल रहे हैं, खाली समझा कुछ नहीं रहे, वैसा कोई बात नहीं है। पहले का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इसको आप चुटकियों में करेगा, ऐसा उदाहरण भी एक मैंने किया है, उसको आप देखे रहते तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत बच्चा पढ़ लिया होगा खुद से, यह दिख रहा है, एक मिनट देखिए दिख रहा है कि नहीं, तो सारा मेहनत चलिए दिख रहा है।
अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन में, और कुछ कह रहा है, कह रहा है का कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। हाँ भाई है, तो यहाँ आप फाइनल लिख लीजिएगा, यहाँ आर पैरेट लिख रहा हूँ, तुल्यता संबंध रखता है, डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ आर तुल्यता है, या इस तरह से लिख सकते हैं आर, यहाँ पर आर स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता भी है, या डायरेक्ट यह भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब चलिए हम चल रहे हैं कि और भी इसमें क्या दिया है, समुच्चय 1, 2, 3 के सभी अवयव विषम है। यहाँ पर यह बात कह रहा है कि समुच्चय, यह खत्म हो गया, दूसरा है समुच्चय 1, 3, 5 के अवयव संबंधित है, संबंधित न कह रहा है, अवयव विषम है, विषम है, ठीक है, तो संबंधित होगा ही। अब यह आ गया, यह विषम है बोल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ इधर लिखने का, ठीक है, यह वाला अब लिख दिए तो ज्यादा नहीं माने मिटाएंगे, इतना लिखने के बाद इसके बाद लिखिएगा कि हम जानते हैं कि विषम संख्या का मॉडुलस हमेशा सम ही आता है। देख लीजिए, मान लीजिए कि 3, 5 ले लिए, मॉड निकालिए कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि -2 आएगा, मॉड बटेगा 2 आ जाएगा, 2 क्या है सम है। इसी तरह 1, 3 ले लीजिए, इसको प्लट कर लीजिएगा -2, यह 3 को भेजिए, तो ये तो है निश्चित है, इसीलिए अतः एक दूसरे से संबंधित है, अतः समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। और इसी तरह एक और समूह दे दिया, उसको आप कर सकते हैं, छोड़िए आप लोगों को छोड़ना कुछ उचित नहीं लग रहा है, एक और करिए, समुच्चय 2, 4 के अवयव सम है, फिर लिखिएगा बोल रहे हैं मुंह से लिखिए, फिर इसके बाद लिखिएगा कि हम जानते हैं कि विषम संख्या का मॉडुलस हमेशा सम ही आता है, पहले सम संख्या का मॉडुलस हमेशा सम ही आता है, अतः समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। उतना लिखने के बाद फिर और चीज कह रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समुच्चय लिख लिए बोल दिए, तो फिर से लिखिए कि दिया है समुच्चय 1, 3, 5 में सभी अवयव विषम है, और समुच्चय 3, 4 में सभी अवयव सम है, इनका अंतर एक विषम संख्या होगी, अतः 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 3, 5 से संबंधित नहीं है, यह बात कह रहा था, इसके बाद यह लिख दीजिएगा डायरेक्ट हो जाएगा। अगर उदाहरण बताए होंगे इसी में का एक उदाहरण है, पढ़े होंगे तो सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा डाटा चेंजिंग था। तो ये रहा सवाल 8वां नंबर, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यह फ्री में पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर आकर पढ़ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।